सो टुडे 30 सितंबर 2019। कल आपसे एक सवाल पूछा गया था टेलीग्राम पे कि सजेस्ट करो आप कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम बात करें, तो मेजॉरिटी लोगों ने, जितना मैंने नोट किया, किसी ने प्राइस एक्शन लिखा, किसी ने चार्ट रीडिंग, लाइक मोटा मोटी अगर हम उसको सम अप करते हैं, आपका एग्जैक्टली ये था कि चार्ट को हम कैसे रीड करें। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक जो सामने आपके सामने लाइव मार्केट चल रहा है वो एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा मैं, और उसके साथ साथ जो मेरे गुरु और मेरे बीच में जो बात होती थी और जो चीज़ें होती थी कुछ आपको मैं इनसाइट्स भी दूंगा इसमें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले चीज़, ये निफ्टी का अपना चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है, 30 तारीख का डेट है यहाँ पर। अगर हम ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, वीपी फाइनेंशियल वाला 1 मिनट पे चार्ट पे ट्रेड करता है, वो बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, मैं भी उस पर ट्रेड करूंगा, तो उस पर क्लोनिंग हो जाती है, उस पर कॉपीगिरी हो जाती है, लाइक मेरे को भी उस पर अच्छे पैसे बनेंगे क्योंकि मुझे भी लगता है कि 1 मिनट पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब आपके सामने लाइव चल रहा है, कहने को तो चलो मार्केट यहाँ से शुरुआत हुआ, ये लेवल से शुरुआत हुआ और यहाँ पर इसने लो लगाया कि नीचे के साइड जा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टिंग करनी चाहिए। अब ये मार्केट हो चुका है, तो एक मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ कि चार्ट रीडिंग सिर्फ रीड नहीं करना होता है, उसमें एंट्री, ये सब चीज़ें, लाइक इतने से फेज के अंदर, लाइक ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो ये 3 घंटे का ऑलमोस्ट फेज है, इतने से फेज के अंदर हमको कितनी अपॉर्चुनिटीज थी। और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि क्या आप वाकई में इतना ऑफ द मार्केट, जैसे कि मैं, मार्केट अब इतना हो चुका है, मैं रीड कर सकता हूँ और मैं मार्क कर सकता हूँ, क्या आप सच में उतना मार्क कर सकते थे? ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। देखिए सबसे पहली चीज़, ये अपना ब्रेकडाउन था, ओके, इसको हम मार्क कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, ओके, दिस वॉज अवर फर्स्ट एंट्री, दिस वॉज अवर सेकेंड एंट्री, ये अपनी थर्ड एंट्री थी, ये अपनी फोर्थ एंट्री थी, इसके बाद ये अपनी एंट्री थी एक, उसके बाद ये एक एंट्री थी, उसके बाद अब जो रिसेंटली बना हुआ है दिस वाज ऑल्सो अवर एंट्री, ओके। अब इसके पीछे का लॉजिक, ये सब सेकेंडरी करते हैं। सबसे पहले चीज यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट एंट्री, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, मतलब अगर मैं ये लेवल का टाइम पकड़ता हूँ 12:50, 3.5 घंटे, 3.25 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास यहाँ पर 8 एंट्रियाँ थी जो मैं चाहे तो कैप्चर कर सकता था आज ट्रेडिंग करके। ये आपको ऐसा लगेगा माइंड में कि अब तो मार्केट सर हो चुका है, अब आप देख के बोल रहे हो, तो गाइज एक काम कीजिएगा, जैसे अब यहाँ से जितना मार्केट होगा या नेक्स्ट डे पे आप 3 घंटे के डेटा पे इतना क्विकली, इतना ईजिली आप फाइंड आउट करके देखिए कि लगता है इतना ईजिली नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका माइंड सेट उतना, लाइक आपकी आईज उतनी ट्रेन नहीं हुई है। अब मैं बात करता हूं मेरे मेंटर की। मेरे मेंटर ने मुझे 2015 में सब मंथली चार्ट्स के ऊपर सिखाया। आज जैसे मैं अपने वेबिनार में जो भी मेंबर्स होते हैं, जो टाइम फ्रेम वो बोलते हैं, जो स्टॉक का नाम वो बोलते हैं, हम सब खुल के डिस्कस करते हैं, लाइक फैमिली वाला माहौल रहता है, सब कुछ ओपन होकर बात होता है वहां पर। और जितनी देर 3 आवर्स का सेशन हम बताते हैं, 4 आवर्स हो जाए, 4.5 आवर्स हो जाए, आई डोंट केयर, मैं टाइम देख के नहीं चीज़ें डिस्कस करता हूँ। जब तक सामने कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती तब तक मैं बात करते रहता हूँ और क्लियर आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब बात करता हूँ मैं अपने मेंटर से। जब मैं उनसे सीख रहा था तो उन्होंने मुझे इन्वेस्टर बनना सिखाया। इन्वेस्टर बनना मतलब उन्होंने मुझे जो भी चीज़ें सिखाई, जो भी प्राइस एक्शन का उन्होंने अपना मुझे ज्ञान दिया, वो सब के सब मंथली के ऊपर। अगर मैं उनसे पूछता था कि सर चलो लेट्स अज्यूम कि सर मुझे एक्सिस बैंक के वीकली चार्ट के ऊपर डाउट है, तो वो क्लियरली बोलते थे कि बॉस अगर मंथली पे कुछ डाउट है देन ओनली आई एम गोइंग टू क्लियर योर डाउट्स, रेस्ट उससे छोटे टाइम फ्रेम पे यू नीड टू वर्कआउट ऑन ओन। और आपको मैं एक छोटी सी और इनसाइट दे देता हूँ, हम लोग का जब मैं सीख रहा था ये सब चीज़ें तो हम टोटल 16 जने थे वो ग्रुप में, वो बैच में। आज भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वो 16 में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं हम जो सक्सेसफुल बन पाए ट्रेडिंग में। उसमें से मैं बन गया ट्रेडर, रेस्ट 2, एक इंडियन था, एक जर्मनी का बंदा है, दोनों जन इन्वेस्टर अच्छे बने, बाकी के 13 लोग फेल हो गए। क्या इसका मतलब वो मेंटर सक्सेसफुल नहीं था जिसने हमको सिखाया? नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने ज़्यादा हार्डवर्क किया। अब बात करते हैं आप लोगों की, आपको क्या दिक्कत होती है चार्ट रीडिंग में, क्यों नहीं आप ये सब चीज़ें कर सकते हो? इसका सबसे पहले कारण है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। आप मेरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, लाइक 2015 में मैंने मंथली और वीकलीज पे ट्रेड किया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे मुझे वो टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंस आया फिर मैं डेली पे आया, ऐसे करते करते मैं 2 आवर्स आवरली पे आया। 2018 में मैंने पूरा साल 5 मिनट के ऊपर ट्रेड किया। 2019 तो पूरा मेरे ट्रेड्स आपके सामने लाइव चलते हैं, आप मुझे देखते हो 1 मिनट में मैं ट्रेड करता हूं। अब 1 मिनट के बाद देखिए मेरा आज चाहे तो मैं अपने लॉट्स बढ़ा सकता हूं, बट मैं नहीं बढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं? आपको पता है मैं अपने R&D कर रहा हूं, अपने माइंडसेट को ग्रो कर रहा हूं। जैसे मैं नेक्स्ट ईयर से मेरा प्लान है कि मैं 1 लॉट नहीं 2-3 लॉट में मैं काम कर सकूं। तो ये प्रोसेस होता है। सक्सेस हमेशा एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर प्रोसेस से की जाती है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देख लिया वीपी फाइनेंशियल वाले ने 1 मिनट पे ट्रेड किया, मैं भी 1 मिनट पे ट्रेड करूंगा। कोई पर्टिकुलर और जो स्टॉक ट्रेडर है उसने उस पर ट्रेड किया, मैं उस पर ट्रेड करूंगा। कोई फिक्स है नहीं टाइम फ्रेम, कोई सिस्टम है नहीं, कुछ प्रॉपर रोड मैप है नहीं। तो ये चीज हमको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती। अगर आपको अच्छा चार्ट रीडिंग करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, आपको ट्रेड नहीं करना है मंथली या वीकली पे क्योंकि उसमें आपका समय बहुत जाएगा। एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग चार्ट ऑन मंथली, वीकली, डेली। अगर वहां से आप चार्ट रीडिंग आपका थोड़ा सा कैपेबल, आप वो लेवल पे हो जाओगे। धीरे धीरे छोटा टाइम फ्रेम करना है और डिफिकल्ट आपको ये सब चीजें फेस करनी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम शुड बी योर लास्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड ऑन, बट हम गलती करते हैं, सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। एक दूसरा सीक्रेट मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ही घटिया अपना आरआर रेशो होता है। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट में मैं ट्रेड करता हूं और मेरा 1:5 1:6 मेरा रेशो रहता है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है उसका भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूं तो ये नीचे जा रहा है डाउन साइड, फिर यहां से ऊपर जा रहा है, फिर यहां से नीचे जा रहा है। दैट मीन्स विद इन 2 आवर्स 2.5 आवर्स के अंदर मार्केट ने 3 बार अपना गियर शिफ्ट किया। अगर गियर शिफ्ट करता है मार्केट, दैट मीन्स मेरा मार्केट एक डायरेक्शन में काफी समय के लिए नहीं चलेगा, काफी समय के लिए नहीं चलेगा। दैट मीन्स मैंने जो प्रॉफिट प्लान किया हुआ था वो मुझे डिजायर नहीं मिलेगा, मेरा आरआर रेशो कम होगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो मेरा वहां पर हिट होगा। सो ये वीडियो से मैं आपको एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन हायर टाइम फ्रेम। पहले रीडिंग के ऊपर ध्यान दो। आप जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा मंथली चार्ट है, इट्स क्लियर स्मूथली अपसाइड। आप जो इंडिकेटर यूज करते हो उसको भी लगा के देखिए, आपको बहुत स्मूथ वे में आपको सिखाएगा कि वो कैसे अप ट्रेंड गया है। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अगर हम लोग यहां पर अगर ओके हो गए, मंथली पे अच्छा हो गया अपना माइंडसेट, फिर वीकली पे ध्यान दो कि वीकली पे देखिए थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्शन चालू हो गया। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग अगर डेली से, तो डेली में थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस यहां पर आपको लगेगा। ओके सो ये धीरे 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 करके अगर आप देखोगे तो डिफिकल्ट लेवल जो है बढ़ जाता है एज छोटा टाइम फ्रेम जैसे आपका बढ़ते जाएगा। तो छोटा टाइम फ्रेम सबसे डिफिकल्ट होता है, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा। अगर ट्रेडर अच्छा बनना है, स्टार्ट रीडिंग चार्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, नॉट फ्रॉम 5 मिनट्स 10 मिनट। अगर शुरुआती अगर आपको आए हुए 2 4 6 महीना, चलो 1 साल भी हुआ है, 1 साल में अगर आप डायरेक्टली 5 मिनट पे जंप करोगे तो आपको इतना इजी नहीं है ये सब चीजें अचीव करना। आप एक तो खुद से कर रहे हो, आपके सवालों का जवाब देने वाले के लिए आपके पास मेंटर भी नहीं है। यूट्यूब पे आप जो वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस पे आपको जवाब ठीक से मिलता नहीं है, आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है। तो एटलीस्ट आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि कुछ समय आपको एक्स्ट्रा, आपका एफर्ट एक्स्ट्रा लगेगा। जनरली जो पीपल जो समझ लो सीख किसी और से सीखते विकते हैं, या जो उनको एक गुरु मंत्र मूल मंत्र मिलता है, तो उनके लिए वो ईजी रोड मैप हो जाता है। तो अगर आपको वो नहीं करना है तो एटलीस्ट ये सिस्टम को फॉलो करो। बड़े टाइम फ्रेम से मंथली, वीकली, डेली, 2 आवर्स 1 आवर्स 30 मिनट्स 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, फिर 1 मिनट। हो सकता है कि 5 मिनट में आप अच्छे हो जाओ कुछ समय के बाद, तो 5 मिनट से चाहे तो आप 3 मिनट को शिफ्ट कर सकते हो, 1 मिनट पे आप वर्कआउट कर सकते हो। एक और मैं आपको इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल, कैसे हमको गियर शिफ्ट करना है मैं आपको इसमें ये बताऊंगा। देखिए, लेट्स अज्यूम कि आप अभी वीकली पे अच्छे हो गए, मंथली का हो गया अपना, वीकली पे अच्छे हो गए, अब आपको डेली पे करना है। तो आप पहले वीकली पे ही ट्रेडिंग करोगे, उसके साथ साथ छोटे क्वांटिटी में डेली पे चार्ट पे आप काम करना स्टार्ट करोगे। उस पर आपको रिजल्ट अच्छा आ गया, फिर डेली पे आप फुल टाइम फ्लैश में काम करोगे और उसके साथ साथ छोटी क्वांटिटी में आप 2 आवर्स के ऊपर ट्रेड लोगे। 2 आवर्स पे आपका अच्छा खासा हो गया, फिर आप गियर शिफ्ट करोगे, 2 आवर्स पे फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे, 2 आवर्स पे आपका फुल टाइम ट्रेडिंग हो गया, तो छोटी क्वांटिटी से आपको अवरली, ऐसे करते 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 आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आप सीखो, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन सीखो, प्रॉपर चार्ट रीडिंग स्किल अपनी डेवलप करो बड़े टाइम फ्रेम से। सो आई होप आपको ये वीडियो से कंटेंट अच्छा मिला होगा और एक सिंपल सी डायरेक्शन मिली होगी कि आपको किस वे से अपनी चार्ट रीडिंग स्टार्ट करनी है। जितना जल्द हो सके चार्ट रीडिंग के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद फिर सोचो। एक ये भी सोच काफ़ी बुरी लगती है मुझे, जो मेरे पास भी थी कुछ समय पहले, जब मैं कुछ सीखा हुआ नहीं था, नो वॉइस था मैं, कि मैं भी इसे सोचता था कि मैं कितना पैसा लगाऊं और मुझे कितना पैसा मिलेगा। ट्रेडर्स, ये जो मार्केट है यहाँ पर पैसा आपसे 10 गुना ज़्यादा वाले भी बैठे हैं, आपसे 10 गुना कम वाले बैठे हैं, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता। मैटर मार्केट में सिर्फ ये करता है, इट्स अ बिजनेस। आप जितना रिस्क लोगे उतना ही चांस होगा हायर रिटर्न का। आप जितना कम रिस्क लोगे, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, जैसे हम बैंक में करते हैं एफडी के रूप में, तो हमको वहाँ से रिटर्न्स भी सेफ मिलते हैं। हायर द रिस्क, हायर विल बी द रिटर्न। सो आई होप आपको वीडियो से अच्छे कंटेंट मिले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।